आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके पार्ट सेकंड में आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फोर है इसमें, व्हाट इज़ द मीन बाय फंक्शनल स्ट्रेटजी इन टर्म ऑफ द लेवल वेयर विल यू पुट देम एंड आर द फंक्शन स्ट्रेटजी रियली इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। फंक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है, किस लेवल पे आप इसको फंक्शन स्ट्रेटजी को डालते हो, और फंक्शन स्ट्रेटजी क्या इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। वंस द हायर लेवल कॉरपोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज आर डेवलप, एक बार जो कॉरपोरेट लेवल की और बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी डेवलप कर दी जाती है, मैनेजमेंट नीड टू फॉर्मुलेट इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी फॉर द ईच फंक्शन एरियाज। मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है स्ट्रेटजीज की हर एक फंक्शन एरियाज के लिए। फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी हैव टू प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द फंक्शन मैनेजर। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजीज क्या हैं, प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन किसको, फंक्शनल मैनेजर्स को रिगार्डिंग द प्लान एंड द पॉलिसीज टू बी अडोप्टेड। जो प्लान्स और प्रोसीजर अडोप्टेड किए जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग। इनफैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डिपेंड क्रिटिकली ऑन द मैनर इन विच स्ट्रेटजीज आर इम्प्लीमेंटेड। बेसिकली जो इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की डिपेंड करती है क्रिटिकली जो स्ट्रेटजीज आपने अडोप्टेड की हैं बिजनेस में। इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डिपेंड क्रिटिकली ऑन द मैनर इन विच स्ट्रेटजीज आर इम्प्लीमेंटेड। इफेक्टिवनेस तब भी डिपेंड करती है कि वो स्ट्रेटजीज कैसे इंप्लीमेंट की गई हैं। स्ट्रेटजी ऑफ द वन फंक्शन एरिया कैन नॉट बी लुक्ड इनटू द आइसोलेशन। आपकी एक फंक्शन एरिया की स्ट्रेटजी को आप आइसोलेशन मतलब इकट्ठा नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज एक्सटेंड टू विच ऑल द फंक्शन टास्क आर इंटरवन डेट रिवाइन एफिनेट फॉर द मेजर स्ट्रेटजीज। बेसिकली जो सारे फंक्शंस टास्क होते हैं वो सही से होने चाहिए डिटरमाइन करने के लिए इफेक्टिवनेस जो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है उसकी। जो फंक्शन एरिया स्ट्रेटजी है सच एज मार्केटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिसोर्स वो बेस्ड होते हैं फंक्शन कैपेबिलिटी पे जो एक ऑर्गेनाइजेशनल की है। और फॉर द ईच फंक्शन एरिया फर्स्ट द मेजर सब एरिया डिफाइंड। हर फंक्शन एरिया के सबसे पहले एक सब एरिया डिफाइन किया जाता है, उसके बाद हर एक सब फंक्शन एरिया के लिए कंटेनेंट डिफाइन किए जाते हैं कि क्या क्या फंक्शन स्ट्रेटजीज के कंटेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होंगे और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रोसेस में जिसमें स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की जा रही है। इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फंक्शन स्ट्रेटजी ऑपरेट बिलो द SBO। बेसिकली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के टाइम पे जो फंक्शन स्ट्रेटजी है SBO के नीचे काम कर रही है या बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है। विद इन द फंक्शन स्ट्रेटजी देयर माइट बी सेवरल सब फंक्शनल एरियाज। फंक्शन स्ट्रेटजी में काफ़ी सारे सब फंक्शनल एरियाज भी होते हैं। जो फंक्शन स्ट्रेटजी हैं वो बेसिकली हायर लेवल आर मेड विद इन द हायर लेवल स्ट्रेटजीज एंड गाइडलाइन सेट एट द हायर लेवल मैनेजमेंट। जो फंक्शन स्ट्रेटजी हायर लेवल मैनेजमेंट बनाई जाती है और गाइडलाइन भी उन्हीं के द्वारा सेट की जाती है। जो फंक्शनल मैनेजर हैं नीड द गाइडेंस फ्रॉम द बिजनेस स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजंस। जो फंक्शनल मैनेजर हैं गाइडेंस लेते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी की डिसीजंस बनाने के लिए। ऑपरेशन प्लान टेल द फंक्शन मैनेजर्स वट हैज़ टू बी डन विद प्रोसेस एंड हाउ द प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड। जो ऑपरेशन प्लान्स होते हैं फंक्शन मैनेजर्स को बताते हैं कि कैसे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होंगी, कैसे प्लान्स हमारे डेवलप किए गए हैं उसके रिगार्डिंग। मेजर स्ट्रेटजीज नीड टू ट्रांसलेट इट टू लोअर लेवल और टू गिव द होलिस्टिक स्ट्रेटजी डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। मेजर स्ट्रेटजी जो बनाई जाती हैं लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट पे वो बेसिकली होलिस्टिक डिसीजन लेने के लिए बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। जो फंक्शन स्ट्रेटजी है वो प्रोवाइड करती है डिटेल ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी एंड हाउ टू की एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विल बी मैनेज। जो फंक्शन स्ट्रेटजी है वो बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करती है और कैसे जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो मैनेज की जाएंगी। जो फंक्शन स्ट्रेटजी है वो टू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। सबसे पहले एक ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सेकेंडली दे स्पेल आउट हाउ द फंक्शनल मैनेजर विल वर्क टू एंश्योर द बेटर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। और दूसरा ये देखते हैं कि फंक्शन मैनेजर काम कैसे करेंगे एक एंश्योर करने के लिए बेटर परफॉर्मेंस की फंक्शन एरियाज में। और यही रीज़न है कि फंक्शन स्ट्रेटजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए जो आपका काम कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शन स्ट्रेटजीज एम्ड एट मेकिंग द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड एट टॉप मैनेजमेंट लेवल फिजिबल एट द फंक्शन लेवल। जो आपकी स्ट्रेटजी हो टॉप मैनेजमेंट लेवल पर बनाई जाती है लेकिन फिजिबल होते हैं फंक्शन लेवल पे। जो फंक्शन स्ट्रेटजी हैं वो आपकी फैसिलिट करते हैं फ्लो ऑफ द स्ट्रेटजिक डिसीजंस। जो आपकी फंक्शन स्ट्रेटजी हैं आपके स्ट्रेटजिक डिसीजंस के फ्लो को देखती हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें
दे एक्ट एज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटी इन द डिफरेंट फंक्शन एरियाज ऑफ बिजनेस। ये बेसिकली आपकी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ के लिए काम करती हैं, आपके डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। दे द टाइम स्पेंड बाय द फंक्शन मैनेजर इन द डिसीजन मेकिंग रिड्यूस एज प्ले लिमिट ऑफ प्ले। जो आपका टाइम स्पेंड किया जाता है फंक्शन मैनेजर्स के द्वारा डिसीजन मेकिंग में, उसको आप बोल सकते हो कि रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजी सही से बनाई गई है तो आप उसको प्लान आउट भी सही से करोगे। जो फंक्शन स्ट्रेटजी हैं वो हेल्प करती है आपकी हारमोनी और कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में, जो आपके पार्ट बन जाते हैं मेजर स्ट्रेटजीज़ का। और जो सिमिलर सिचुएशन अकरिंग इन द डिफरेंट फंक्शन एरियाज और हैंडल इन द कंसिस्टेंट मैनर, जो आपके सिमिलर सिचुएशंस होती हैं फंक्शन एरियाज में, आपकी कंसिस्टेंट मैनर में डेवलप की जाती है फंक्शन मैनेजर्स के द्वारा। What do you mean by the finance strategy of an organization? How the worth of the business is evaluated? Finance strategy क्या होती है business की, और कैसे business की worth को evaluate किया जाता है? Financial strategy of the organization is related to the several financial accounting concepts subject to the central to the strategy implementation. जैसे financial strategy होती है वो organization related होती है, काफ़ी सारे accounting principles और finance concepts से related आपके स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर एक्वायरिंग द कैपिटल सोर्स ऑफ फंड, बेसिकली ये होती है कि सोर्स ऑफ फंड्स को एक्वायर करना, डेवलप करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और मैनेजमेंट का यूज ऑफ द फंड बताना और इवेल्युएट करना वर्थ ऑफ द बिजनेस की। वेरी मैटर फॉर डिटरमाइनिंग योर बिजनेस वर्थ कैन बी गुड टू थ्री अप्रोचेस, जो आपके बिजनेस की वर्थ को डिटरमाइन करने के लिए तीन अप्रोचेस में बांटा गया है मैथड को। सबसे पहले नेटवर्थ और द शेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी। नेटवर्थ इज द टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। नेक्स्ट वाला है फ्यूचर बेनिफिट टू द ओनर। बेनिफिट आर कंसिडर टू बी मच ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली आपके बेनिफिट प्रॉफिट से ज़्यादा होते हैं। ए कंजर्वेटिव रूल ऑफ द थंब इज टू एस्टेब्लिश ए बिजनेस वर्थ, आपके बिजनेस के वर्थ को एस्टेब्लिश करने के लिए कंजर्वेटिव थंब रूल डाला जाता है कि आपके बिजनेस की वर्थ 5 times होगी आपके करंट एनुअल प्रॉफिट से, लाइक ए 5-year एवरेज प्रॉफिट इसका यूज़ किया जा सकता है। मार्केट डिटरमाइन बिजनेस वर्थ। दिस टर्न इन्वॉल्व द 3 methods। फर्स्ट, फर्म्स वर्थ मे बी बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग कंपनी। जो आपकी फर्म की वर्थ होगी वो बेस्ड होगी सेलिंग प्राइस पे सेलिंग कंपनी के, सिमिलर कंपनी के। लाइक अगर सेम आपका एक चाय का पैकेट टाटा 10 rupees में दे रहा है तो आपका ब्रुक बॉन्ड भी 10 में ही देगा। द सेकेंड अप्रोच इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग अप्रोच। इसमें क्या होगा, जो आपका मार्केट प्राइस होगा फर्म के इक्विटी शेयर का, डिवाइड किया जाएगा एनुअल अर्निंग पर शेयर से, EPS से हम उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय द फर्म एवरेज इनकम, तो आपकी उससे क्या आ जाएगी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी इसके। द थर्ड अप्रोच कैन बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, वेयर बाय वन हैज टू सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द शेयर बाय द मार्केट प्राइस। जो आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे प्रीमियम ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड के थ्रू अप्रोच। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मार्केटिंग मिक्स एंड डिस्कस द वेयर कॉन्सिक्वेंस। मार्केटिंग मिक्स फॉर्म ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल कॉम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रेटजी। जो मार्केटिंग मिक्स है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी का। मार्केटिंग मिक्स क्या है, कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स हैं जो फर्म बेसिकली प्रोड्यूस करती है टारगेट मार्केट के लिए, कि टारगेट मार्केट को मैं ऐसे मार्केटिंग के थ्रू टारगेट करेंगे। जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें बेसिकली सब कुछ होता है जो फर्म यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए एक प्रोडक्ट की डिमांड को। दिस वेरिएबल आर ऑफन रेफर टू 4P। इन वेरिएबल्स को बेसिकली 4P बोलते हैं। 4P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन। जो इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम है उसमें सारे आपके मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स होते हैं। इन टू द कोऑर्डिनेटिंग प्रोग्राम डिजाइन टू अचीव द कंपनीज मार्केटिंग, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए, और बाय डिलीवरिंग द वैल्यू टू कस्टमर, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के लिए। जो 4P हैं वो मार्केटर के एंगल से बेसिकली डिफरेंट होते हैं और बायर के एंगल से डिफरेंट, बायर के एंगल से उसको 4C बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट है अब इनको 4Ps को डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज।
कॉम्बिनेशन द कंपनी ऑफर टू अ टारगेट मार्केट, गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन जो कंपनी ऑफर करती है टारगेट मार्केट को, और जो स्ट्रेटजीज हैं वो बेसिकली यूज़ की जाती है। जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ की जाती है मैनेजिंग करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ओवर द टाइम। स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है इन प्रोडक्ट्स को मैनेज करने। स्ट्रेटजीज आर नीडेड फॉर मैनेजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ओवर द टाइम, राइडिंग द न्यू वन एंड ड्रॉपिंग द फेल प्रोडक्ट। स्ट्रेटजी बनाई जाती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए और नए ऐड करने के लिए, और जो फेल हो गए हैं उनको हटाने के लिए। जो स्ट्रेटजिक डिसीजन मस्ट ऑल्सो मेड रिगार्डिंग द ब्रांडिंग, पैकिंग एंड अदर प्रोडक्ट फीचर्स। जो स्ट्रेटजिक डिसीजंस हैं वो बेसिकली ब्रांडिंग के रिगार्डिंग, पैकिंग के रिगार्डिंग और दूसरे प्रोडक्ट फीचर्स के रिगार्डिंग बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट एंड द मार्केट आर इनफाइनाइट डायनेमिक। जो प्रोडक्ट्स और मार्केट्स हैं वो डायनेमिकली इनफाइनाइट होती हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैप्चर करती है इन डायनेमिक्स को पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज के थ्रू। जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं कस्टमर डिमांड में लॉन्ग पीरियड के टाइम पे। बेसिकली ये सिंपल ही है, प्राइस भी इसी तरह है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है? प्राइसेस आर सेट एट वेरी हाई लेवल। प्राइसेस काफ़ी हाई लेवल पर सेट कर दिए जाते हैं। द प्रोडक्ट डायरेक्ट टू दोज बार बार रिलेटेड इन प्राइस इंसेंसिटिव और द सेंसिटिविटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। ऐसे लोगों को प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है जिन्हें प्राइस की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन वो क्वालिटी की परवाह होती है। इसके लिए बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि एप्पल के आईफोन के टाइम पे लोगों को प्राइस की परवाह नहीं होती, उन्हें क्वालिटी की परवाह होती है, और जो उसका प्राइस है वो काफ़ी हाई होता है उसके शुरू में। पेनिट्रेशन में क्या बोल सकते हो? इन द पेनिट्रेशन फर्म कीप्स अ टेम्पिंग लो प्राइसेस। पेनिट्रेशन में जो फर्म है काफ़ी लो प्राइसेस रखती है फॉर द न्यू प्रोडक्ट विच इटसेल्फ इज अ सेलिंग पॉइंट। बिल्कुल जो उसके सेलिंग पॉइंट पर होते हैं, सेलिंग प्राइस काफ़ी कम होता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर में एबल टू अफोर्ड एंड विलिंग टू ट्राई द प्रोडक्ट। जो काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकें, ट्राई कर सकें। बेसिकली इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं सर्फ एक्सल टाइड वगैरह का, जो इनके शुरू में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो काफ़ी लो प्राइस पे होते हैं ताकि सब उसको ट्राई करके यूज़ कर सकें, फिर बाद में लोग अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। पेंट्रेशन सिंपल स्ट्रेटजीज की यही है। एक्सपेंडेड मार्केट मिक्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4P। सभी को ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज़ करती है? कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं 4P का। जो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के वो एग्जिस्टिंग नहीं होते बेसिकली हर एक सिचुएशन में, और कुछ और उससे ज़्यादा एलिमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी का पार्ट बनते हैं। उन्हें ज़्यादा करेंसी मिलती है रिसेंट ईयर्स में, और जो ग्रोथ ऑफ द सर्विस है वो इंक्लूसिव है मार्केटिंग के शेयर्स के लिए। ये न्यू 4P आज हो रहे हैं। नए 4P क्या हो सकते हैं? पीपल, ऑल ह्यूमन एक्टर्स वो प्ले पार्ट इन डिलीवरी ऑफ द मार्केट ऑफरिंग। जो सारे ह्यूमन एक्टर्स हैं बेसिकली जो पार्ट प्ले करते हैं मार्केटिंग के ऑफरिंग के टाइम पे, उनको आप बोल सकते हैं। उसमें जो बाहर की रिसेप्शन होगी या फर्म्स का पर्सनल या कस्टमर्स हो गए उसी को आप दे सकते हैं। फिजिकल एविडेंस, जितने फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड किए जाए मार्केटिंग ऑफरिंग के टाइम पे जो डिलीवर किए जाते हैं या कस्टमर जिनसे इंटरेक्ट करता है वो आप बोल सकते हो। जो प्रोसेस, जितने भी एक्चुअल प्रोसीजर्स है, मैकेनिज्म है, फ्लो ऑफ एक्टिविटी है जिसके थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर किया जा रहा है उसको आप बोल सकते हो। व्हाट इज लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी? व्हाट आर द एरिया टू एग्जामिन व्हेन डेवलपिंग ए लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी? मैनेजमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक इज अ प्रोसेस डेट इंटीग्रेट द फ्लो ऑफ द सप्लाई इन टू और थ्रू आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक प्रोसेस होते हैं जिसमें आप इंटीग्रेट करते हैं फ्लो ऑफ द सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाहर और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में, और ये अचीव करती है आपको लेवल ऑफ द सर्विस डेट फैसिलिट द मूवमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इन द प्रॉपर मैनर। और बेसिकली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो आपका जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो प्रॉपर मैनर में,
When the company created logistics strategy, it is defining the service level at which logistics is smooth and cost effective. Company logistics स्ट्रेटजी डेवलप करते टाइम ये डिफाइन करते हैं कि सर्विस लेवल है आपका, इस पर लॉजिस्टिक आप प्रोवाइड किया जा रहा है स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव हो। ये कंपनी में डेवलप ए नंबर ऑफ द लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन। कंपनी क्या करती है, काफ़ी सारी लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी डिफाइन करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइन के लिए, स्पेसिफिक कंट्री एंड द स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए, और कॉन्स्टेंट चेंज इन द सप्लाई चेन्स के लिए, और डिफरेंट एरियाज डेट्स विल बी एग्जामिन फॉर ईच कंपनी। काफ़ी सारे एरियाज होते हैं जो एग्जामिन किए जाते हैं हर कंपनी के लिए ये चीज़ कंसिडर करने के लिए। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका करंट ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी है वो हेल्प कर रही है आपको रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। जो आपके एरिया ऑफ आउटसोर्सिंग है लॉजिस्टिक की वो आइडेंटिफाई कर ली गई है, और जो आपकी पार्टनरशिप है एग्जिस्ट सर्विस प्रोवाइडर से वो बेटर है या नहीं उसको एग्जामिन दिया गया है। नहीं रिव्यू द प्रोसीजर अडोप्टेड बाय द कॉम्पिटिटर, जो आपके कॉम्पिटिटर ने जो प्रोसीजर अडोप्ट किए हैं उनको अच्छे से रिव्यू करो, उनको जज करो और प्रोसीजर अडोप्ट करते हुए कि वो सही है या नहीं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग टाइमली एक्यूरेट है, जो आपके पास डेटा है वो इनएक्यूरेट तो नहीं है, डिसीजन आपके इनकरेक्ट हो सकते हैं। जो आपकी स्ट्रेटजी की मीटिंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी शुड बी इन लाइन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज, जो ऑब्जेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी है वो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से मैच होने चाहिए और वही अकम्पलिश होने चाहिए आपको मेरे स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी।